इसको खुजली या भागो यहाँ से, इससे दूर भागो या भगाओ। वो देखिए डाउन पे है ना, दिख रहा है ट्यूमर है। तो ओ शाबाश, जिस डॉग के बारे में आपको बता रहा था ना, उससे मिलने का समय आ गया है। वो देखिए बैठा हुआ है ना, तो इससे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, और ये फीमेल है दोस्तों। मेरा तो जो फीमेल डॉग्स हैं उनके साथ नाता पुराना है। हाँ हाँ, ये देखिए कितनी खुश हो रही है। क्या होता है कि हम लोग ऐसे जो डॉग्स होते हैं उनको दुत्कार देते, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कह दिया जाता है पंजाबी में, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है खुरक पड़ी खारिश है, तो ये वही चीज है। ये देखिए, ये डिपेंड करता है, अलग अलग तरह की होती है ये। अभी ये फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो चीज़ है, ये फैलता नहीं है, इसी वजह से बाकी डॉग्स के साथ ही है ना ये, इसका खतरा नहीं होता दोस्तों। ये कितना खुश हो रही है, ये कितना खुश हो रही है, हैं? ओए वो कुड़ोल। हाँ जी, हेलो, इधर देख, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, ये देख, ये देखिए, ये देखिए, ओए ओए, नहीं 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 नहीं, अच्छा इधर देख ना, ये कैमरा देख, ये स्टेबल नहीं रहती, हिलती बहुत है ये, बस इसे यही चाहिए होता। वो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है दोस्तों, ये ना ट्रीटमेंट होती है इनकी, आइवरमेक्टिन दिया जाता है, सिट्रिजिन टैबलेट यूज़ की जाती है, मेडिकेटेड बाथ्स होते हैं अच्छे शैम्पू के साथ, और फिर क्रीम, जैसे नॉर्मली मैंने अपने चैनल पर कई बार बताया ना, वो किस्किन लोशन या फिर किस्किन क्रीम सबसे बेस्ट, जो मिल जाए वो लगाया जाता है। बहुत ही स्वीट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। मैं देखिए इसके पास हूँ आपके सामने, तो मैंने सोचा यार इसके पास जाते हैं और आपको दिखाएं। आप जैसे मेरे घर में भी डॉग्स हैं, क्या होता है कि हम लोग ऐसे डॉग्स को दूर भागते हैं कि ये फैल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बस यार इन्हें जैसे मैंने बताई मेडिकेशन जो चीजें बताई वो सब होती है। आप लोग भी कर सकते हो अगर आपको जानकारी है ये सब चीजों की, वरना जो लोकल एनजीओ हैं डॉक्टर उनसे सहायता लीजिए और इनको ठीक कीजिए। और मैं यहाँ पे अब अक्सर आया करूंगा और इसका अपडेट आप लोगों को जरूर दूंगा। अपडेट जरूरी इसलिए क्योंकि दिखाना भी जरूरी है ना, जब ये यहाँ से ठीक हो जाएगी वो चीज दिखानी है आपको। तो यहाँ पे ये देखिए, आप लोग देख सकते हो कि बाकी डॉग्स के साथ ही है ये, तो ये जो फंगल इन्फेक्शन कह सकते हो ये फैलता नहीं। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं तो, लेकिन हाँ इंसानों को कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने आपको दिखाया है कि मुझे चाट रही थी ये, कपड़ों के ऊपर भी लगा हुआ, ये देखिए, तो कोई परेशानी नहीं होती। तो ये फिलहाल डर रही है उधर, वो कुछ कर रहे हैं तो इस वजह से उधर जा रही है। ले आओ, अजा बुते, अजा। अक्सर ऐसे ही कहा जाता है ना, इसको खुजली या भागो यहाँ से, है ना, इससे दूर भागो या भगाओ, ऐसा किया जाता है ना, ऐसे ही करते हैं ना लोग। तो इसी वजह से मैं ये केज में अंदर आया हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कोई परेशानी नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये उधर ही देख रही है, वहाँ पे क्या आ रहा है, वो आवाज़ आ रही है, वहाँ से कुछ किया जा रहा है ना, इस वजह से चला गया, वो चला गया। डरना, डर मत, वहाँ पे आवाज़ आ रही थी ना जैसे मैंने बताया, इस वजह से डर रही थी। डरता क्यों है तू, हैं, क्यों डर रहा है ये लाडो, क्या डरा दिया है? तो इसलिए दोस्तों ऐसे डॉग्स की हेल्प कीजिए। बहुत सारे डॉग्स हैं अक्सर स्ट्रीट पे आपको दिखेंगे, बहुत सारे होते हैं। और ये भी होता है कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स के बारे में जानते हैं, एनजीओ के बारे में, पता नहीं क्यों नहीं हाथ ही नहीं लगाना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसे डॉग्स अगर आपको दिखें तो प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। जैसे मैंने बताया कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिट्रिजिन टैबलेट होती है, आइवरमेक्टिन का यूज़ किया जाता है, मेडिकेटेड बाथ्स, किस्किन लोशन क्रीम। पर हाँ, खुद डॉक्टर मत बनिए अगर जानकारी हो अच्छी तरह से, तभी, वरना जो लोकल एनजीओज होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं सरकारी अस्पताल, वहाँ से मेडिसिन वगैरह मिल जाती है, वहाँ से डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लीजिए, वहाँ मिलिए उनसे, वो सब बता देंगे आप। डर क्यों रहा? हाँ, तो वहाँ पे ना दो बच्चे आ रहे हैं, वो दूर से पूछ रहे हैं कि डॉगी काटेगा तो नहीं, गौशाला में आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि डॉगी काटेगा तो नहीं। तो ये सब चीज़ें भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, लोगों को सिखाने की ज़रूरत है कि एनिमल्स के साथ प्यार करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बाकी जन से भी आपको मिलवा देते हैं। हाँ, वो देखिए डाउन पे है ना, दिख रहा है ट्यूमर है, इसका इलाज चल रहा है यहाँ पे। ये वही डॉग है, वो वहाँ पे भी है काफ़ी। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ यहाँ पे, पहले नॉर्मल यहाँ पे अक्सर आता जाता रहता था वीडियोज़ बनाने के लिए, लेकिन अभी काफ़ी समय के बाद आया हूँ तो मैंने सोचा आज मिलवाएं आपको। तो ये डॉग मैंने देखा था यहाँ, फीमेल डॉग। तो प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर ख्याल रखें जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि ऐसे डॉग्स को हेल्प की ज़रूरत है, कोई ख़तरा नहीं, इंसानों को कोई ख़तरा नहीं होता, तो इनकी हेल्प किया कीजिए, बस ये मेरा मैसेज है। तो यही इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था। और ये बहुत ही स्वीट है, ये फीमेल है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, हैं, बहुत सुंदर हो आप। लो ले ले, मालिश करते हैं तेरी, ले ये ले, मालिश की जा रही, मालिश की जा रही, मालिश। तो ये देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आपके सामने लगा हुआ हूँ। कड़ोल्ले कड़ोल्ले, ये बहुत ही स्वीट है।
तो मैं ज़रूर आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, यहाँ पे अक्सर आऊँगा, इसकी ट्रीटमेंट जो होगी ना हम लोग चेक किया करेंगे, जो इसको यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रही है, जैसे जैसे ये चेंज होगी सारी चीज़ें, क्या कहते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिख। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि जब ये आई थी ना बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, अभी तो सिर्फ एक मेडिकेटेड बात हुआ, एक इंजेक्शन लगा तो काफ़ी लाइक रिलीफ हो गया इसको। ये वहाँ पर बैठ गई है वो जाके ठंडी जगह, आज मौसम ठीक है ना, ठंडा ठंडा मौसम है आज। और ये देखिए इस उस्ताद को, उस्ताद हैं छोटे वाले उस्ताद, ये देखिए आप लोग देख सकते हो, ये देखिए ये नन्हे उस्ताद, ये देखिए ये भी बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है, ये फ्रैक्चर था इसको, इसकी जो पिछली टांग है उसमें फ्रैक्चर था, तो फिलहाल ये ठीक हो चुका है, बस रिकवर हो रहा है, थोड़ी बहुत जो गुंजाइश है वो रिकवर की जा रही है इसकी। ये काउ शेड है इसी दर में, ये सारी यहाँ पे ना गौशाला का हिस्सा ही है। हाँ बीच में डरा भी रही है मुझे अभी एक दो जन, ये जो हिस्सा है ये गौशाला का हिस्सा है, मैंने पहले भी दिखाया है ये चीज़ें, तो मैंने सोचा आज ट्रस्ट वाली साइड आया हुआ था और इस और भी आते हो, और आज मौसम ठंडा है तो आज मैंने सोचा कि वीडियो कुछ हटके होनी चाहिए, है ना, काफ़ी समय हो गया कि ट्रस्ट वाली साइड में आया नहीं था, रेस्क्यू सेंटर वाली साइड में आया नहीं था, तो जब इस डॉग के बारे में पता चला मुझे तो मैं यहाँ पे आया, क्योंकि ये सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि भगा देते हैं ऐसे डॉग्स को, है ना, ऐसे ही होता है ना, बाकी खैर जो बातें मैंने बताई हैं उनको ध्यान में रखिए, सब आसान है, सब आसान है, सब हो जाता है, बढ़िया है, कोई चिंता वाला विषय नहीं है, ये ठीक हो जाते हैं, बस प्यार चाहिए, यू नो कोशिश चाहिए, कोशिश कीजिए सब कुछ होगा। ये नूरी क्या कर रही है ये देखिए, हाँ जी ये क्या चल रहा है, ये पूंछ हिल रही है पीछे, ओ नूरी देख रही है हमें, हैं नूरी, ओ नूरी, नूरी की आंखें दिखती नहीं, रंग काला ब्लैक कलर होता है ना जब, और मौसम भी आज थोड़ा लाइट कम हो गई बाहर, तो ओ शाबाश शाबाश, ये नूरी हेलो कर रही है, नूरी क्या कर रही है, बदमाशी, ओए ये क्या हो रहा है, ये आज बदमाशी क्यों हो रही है, बदमाशी क्यों हो रही है, बदमाशी क्यों हो रही है ये आज, ओ मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया मेरा, नूरू ने हाथ पकड़ लिया मेरा, हाँ नूरू ने हाथ पकड़ लिया मेरा, हैं वो नहीं जाना, टाइसन नूरी, नूरी टाइसन, टाइसन नूरी, मिस्टी भी मस्त है अपनी मगन में लगी हुई है, कुछ करने पंगे करने कुछ ना, ये पंगे नहीं करती मिस्टी को, सिर्फ दो एक दो चीज़ें ही हैं इसे, बस दो चीज़ें हैं, कुछ नहीं चाहिए, सोना खाना बस, दैट्स इट, सोना खाना, सोना खाना और कुछ नहीं चाहिए इसको, या सोए रहेगी सारा दिन या फिर खाना, खाने के लिए दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, तो लाडो अभी उधर ही है, वो छोटी वाली छुटकन, बढ़िया मौसम है ना, टाइसन टेंशन हो इसका बक्कल इसने पहना हुआ है, मिस्टी ने नहीं पहना, नूरी ने भी नहीं पहना, क्योंकि रात को उतार देते ना, पहनाया नहीं दोबारा, दोबारा पहनाया नहीं।